हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं क्यूबरनेटीज। तो दोस्तों, यहाँ देखने वाले हम पोर्ट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, डिस्क्राइब कमांड कैसे चलाते हैं। सबसे पहले मैं गेटोल कर लेता हूँ, क्यूब सीटीएल गेटोल। तो यहाँ पर हमें दिखाएगा, ये सिंपल गेटोल करूँगा तो ये लिस्ट कर देगा हमारे पास पोर्ट वगैरह की। अगर ऑल स्पेसेस करूँगा तो ये पूरे जितने भी नेम स्पेसेस हैं वो सब हमें शो कर देगा, कितने पोर्ट यहाँ पर रनिंग हो रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट, रिप्लिका सेट, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में दिखा रहा है इस कमांड से। तो हम देखना चाहते हैं कि डिस्क्राइब पोर्ट, डिस्क्राइब कमांड करता क्या है। दोस्तों, अगर आप अपने पोर्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसमें क्या शो करेगा, और पोर्ट को अगर आप चाहते हैं जेसन की फॉर्म में डिस्क्राइब करें या फिर यामल की में, तो वो सब हम कर सकते हैं। तो इसको आसान हो जाता है हमें रीड करना। तो हम पढ़ सकते हैं उस पोर्ट के बारे में कि उसमें लेबल्स क्या क्या हैं, पोर्ट का स्टेटस देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ चलता हूँ गेट, क्यूब सी टी एल गेट, पो मैंने लिखा, यानी कि जितने पोर्ट्स थे वो यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। अगर मैं वाइड लिखूंगा, हाइफन और वाइड, तो उसकी जितने भी इंफॉर्मेशन है दे देगा पोर्ट की, कौन सा रनिंग है। देखिए स्टेटस देखिएगा, एक रनिंग है और एक क्रैश दिखा रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्क्राइब पी ओ, तो यहाँ ये कमांड, क्योंकि दो पोर्ट है मेरे तो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ कि क्यूब सी टी एल, दोबारा से लिखता हूँ गेट माइक्रो के एड्स, तो हमें लिखना ही लिखना। देखिए मैंने डिस्क्राइब किया जैसे ही, तो यहाँ पर जो पोर्ट के जो इन्फॉर्मेशन वो सारी यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा था डिस्क्राइब पोर्ट, तो यहाँ पर अगर मैंने पोर्ट का नाम नहीं दिया तो वो दोनों पोर्ट को दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पोर्ट का नेम दे रहा है, ठीक है, और यहाँ दिखा रहा है नेम और नेम स्पेस है, और आप सब चीज़ चेक कर सकते हैं। ये तो रहा, ठीक है, दोनों पोर्ट उसने यहाँ मैंने किया फिर से डिस्प्ले पोर्ट को। तो अब मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफाइड पोर्ट को डिस्प्ले कराना। ठीक है, अब यहाँ जिसका नाम दूंगा पोर्ट का उसी को डिस्क्राइब करेगा। तो देखिए जिस पोर्ट का मैंने नाम दिया उसी को ये डिस्क्राइब कर रहा है, माई फर्स्ट वाले को। तो इसमें इस सब कुछ दिखा रहा है, नेम स्पेस क्या है, प्रायोरिटी क्या है, नेम क्या है, लेबल्स क्या है, और इसका स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। इसमें जो कंटेनर है उसकी आईडी क्या है, जो कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है, और उसकी इमेज क्या है कंटेनर की, ये सब यहाँ पर दिखा रहा है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये भी दिखा देगा इवेंट्स के बारे में। सबसे नीचे यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है, ये डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर इवेंट्स दिखा रहा है कि एज दिखाएगा उसकी, फ्रॉम, मैसेज, सब डिटेल यहाँ पर दिखाने वाला है वो। तो इस तरह से हम पोर्ट के बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो स्टेटस उसका क्या है, पोर्ट रनिंग है या पेंडिंग है, वो सारी चीज़ दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा पोर्ट है अब मैं उसके बारे में, जो सेकंड पोर्ट है उसको डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्राइब पोर्ट सेकंड वाला आप यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या क्या शो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माई, देखिए इसका पोर्ट का नेम आ रहा है, नेम स्पेस आ रहा है, नेम आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लेबल्स आ रहा है। यहाँ देख पा रहे हैं आप स्टेटस क्या है इसका, रनिंग है, आईपी एड्रेस ये है। नीचे जाएंगे तो इसमें जो कंटेनर है वो उसका देखेंगे तो आप यहाँ पर दिखा रहा है कंटेनर रनिंग है, ठीक है, और यहाँ पर आप इवेंट्स देख सकते हैं। नीचे देखो इवेंट्स दिखा रहा है, ठीक है, तो वो पूरी डिटेल दिखा रहा है, एजेस वगैरह। तो अगर आप चाहते हैं कि पोर्ट की हमें डिटेल देखनी है तो आप देख सकते हैं। तो मैंने अगर मान लीजिए माय पोर्ट, अगर मैंने डिस्क्राइब किया, मैंने क्यूब सी टी एल डिस्क्राइब पोर्ट हाइफन ओ जेसन की फॉर्म में चाहता हूँ मैं, ये गलत हो गया मेरा कमांड, इसको ठीक से करना होगा। पॉड, और यहाँ मैं लिखूंगा मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्यूब सी टी एल गेट पॉड और हाइफन ओ जेसन। तो ये क्या कर रहा है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो जेसन के फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं अगर जेसन की फॉर्मेट में देखना चाहेंगे तो। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर वो पूरी डिटेल दिखा रहा है, जो भी होगा पोर्ट का नेम होगा, नेम स्पेस होगा। तो एक ये भी तरीका है उसको देखने का, ठीक है। अब मैं दूसरा दिखाऊंगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये मैंने पोर्ट को लिस्ट करा लिया दोबारा से देखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये पोर्ट जो है अब जेसन में ना हो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पोर्ट का नाम। दो अब देखिए वहाँ तो मैंने पोर्ट का नेम नहीं दिया था तो उसने दोनों पोर्ट को शो किया था। मैं यहाँ पर एक पोर्ट का नाम दे देता हूँ, वो माई फर्स्ट, वो उसी के बारे में यहाँ पर दिखाएगा। तो जो पोर्ट आपको को डिस्क्राइब कराना हो या जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो आप डिस्क्राइब कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उस पोर्ट की वो इन्फॉर्मेशन सारी दे देगा, उसका नेम, लेबल्स, स्टेटस, इवेंट्स, ठीक है, और मतलब कब कितनी बार वो रिस्टार्ट हुआ है कैसे सब। अब ये मैं चलाता हूँ माय फर्स्ट, और मैं इसको यामल फाइल में, तो देखिए ये जो फॉर्मेट है यामल का है। अब जो वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो यामल फाइल में दे रहा है। तो देखिए दोस्तों ये पढ़ना थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है मुझे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। और इतना कीमती टाइम जो आप इस वीडियो के लिए निकाल रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो भी पोर्ट को आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस पोर्ट का नाम लिखकर, और आप फॉर्मेट अगर ईएमएल में चाहिए तो ईएमएल लिख लीजिएगा, जेसन में चाहिए तो जेसन में। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था, फिर मिलते